नमस्कार दोस्तों, तो आज मैं फाइनली वो वीडियो लेके आ चुका हूँ जिसके बारे में आप से बहुत सारे लोगों ने मुझे बार बार कहा था। Infinix GT10 Pro रिसेंटली लॉन्च हुआ है। मैंने इस फोन रिलेटेड पॉसिबल जो भी रिव्यू हो सकता है, जैसे कि डिस्प्ले टेस्ट, गेमिंग टेस्ट, हीटिंग टेस्ट, कैमरा टेस्ट से लेके सब कुछ, मतलब पॉसिबल इसके साथ जो भी टेस्ट हो सकता है सब कुछ मैंने ऑलरेडी कर दिया है। आज एक्चुअली इस फोन का लास्ट और प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो आप से बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था 20,000 पे ये भी अवेलेबल है टेक्नो 20 Pro 5G, 20,000 पे ये भी अवेलेबल है Infinix GT10 Pro। इसके अंदर आपको मिलेगा 64 मेगापिक्सल OIS सेंसर, इसके अंदर आपको मिलेगा 108 मेगापिक्सल लेकिन नॉर्मल वाला सेंसर, मतलब OIS नहीं मिलेगा। दोनों को ही फोन में हमें मिलेगा 32 मेगापिक्सल का सेल्फी। तो सेम प्राइस पॉइंट में दोनों फोन के अंदर अगर हम सिर्फ कैमरा के लिए चूज करेंगे तो दोनों में से किसका कैमरा होगा सबसे बेस्ट, इस वीडियो में जिसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो बिना कोई वक्त का। आज का वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप गैजेटो चैनल पे नए हैं और ऐसे टेक रिलेटेड वीडियो डेली देखना चाहते हैं तो गैजेटो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। अच्छा, वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज कहना चाहूंगा, अभी मैं अगले 1.5 मिनट तक आपको बहुत सारे स्टिल पिक्चर दिखाऊंगा। लेफ्ट साइड में होगा इन्फिनिक्स, राइट साइड में होगा टेक्नो और मैं बीच में कोई भी बात नहीं करूंगा। जैसे सभी पिक्चर का जो स्लाइड शो वो खत्म होगा फिर मैं बताऊंगा कि एक्चुअली कौन सा बेटर है और कौन सा बेटर नहीं है। वैसे अगर अभी वीडियो पूरा ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और एक चीज, मैंने दोनों फोन का जो कैमरा टेस्ट मैंने सेम सिचुएशन में सेम टाइम में सेम ऑब्जेक्टिव पर पॉइंट करके मैंने वीडियो बनाया। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो इधर ही खत्म होता है स्टिल फोटोग्राफी का सेक्शन, मतलब डे टाइम नाइट टाइम दोनों जगह का जो स्टिल फोटोग्राफी वो मैंने अच्छे से मैंने आपको दिखा दिया है। एक चीज जरूर मैंने नोटिस किया होगा, जो टेक्नो का जो फोटो वो और भी ज्यादा कलरफुल नजर आता है या फिर जो थोड़ा सा बूस्टेड हमें नजर आता है या फिर और भी ज्यादा ब्राइट नजर आता है, मतलब इन सिंपल वर्ड सबसे बेस्ट फोटो हमें इसकी मदद से लगता है। लेकिन अगर हम इसके फोटो को देखते ऐसा लगता है कि कलर थोड़ा सा कम हो चुका है, अगर कलर थोड़ा सा ज्यादा होता और भी बेटर रहता या फिर अगर जो शार्पनेस वो थोड़ा सा कम होता और भी बेटर रहता। मतलब आपको इस कैमरे से शिकायत है, इससे शिकायत नहीं है, प्रोबेबली आपका फाइनल डिसीजन यही होगा। एक्चुअली मेरा भी फाइनल डिसीजन यही है, लेकिन ये चीज ध्यान में रखना। मतलब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम एकदम महंगे वाले फोन एप्पल या फिर सैमसंग के फोन में अगर हम कंपेयर करेंगे, अगर मैं किसी भी यूट्यूबर को पूछता हूं तो वो एक ही जवाब कहेगा, अगर आपको वीडियोग्राफी करना है तो एप्पल के स्मार्टफोन, अगर आपको स्टिल फोटो लेना है तो सैमसंग के स्मार्टफोन। इसका रीजन क्या है, एप्पल के फोन से आपको एकदम नेचुरल स्टिल फोटोग्राफी मिलेगा, लेकिन हम लोग
लोगों को नेचुरल वाला फोटोग्राफी ज्यादा पसंद नहीं आता है या फिर सोशल मीडिया के लिए वो उतना ज्यादा बढ़िया नहीं होता है। लेकिन उसी जगह पे सैमसंग या फिर किसी भी चाइनीज फोन में हमें जो फोटो मिलता है वो नेचुरल नहीं होगा, आपको थोड़ा सा ज्यादा बूस्टेड या फिर थोड़ा सा ज्यादा कलर ज्यादा देखने को मिलेगा। इधर भी एग्जैक्टली सेम चीज है। मैंने इतने सारे फोटो निकलने के बाद मैंने खुद अच्छे से बहुत समय तक देखा, मैंने ये चीज नोटिस किया है जिस ऑब्जेक्ट का मैं फोटो ले रहा हूँ उसका एकदम नेचुरल वाला कलर हमें मिलेगा इनफिनिक्स के 100 मेगापिक्सल की तरफ से। लेकिन अगर हम उस पिक्चर को थोड़ा सा ज्यादा बूस्टेड थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट देखेंगे तो उसके लिए हमें लगेगा टेक्नो। अभी यहाँ पर एक और लॉजिक भी हो सकता है, इसके अंदर का जो सेंसर वो एक्चुअली सैमसंग का HM6 वाला सेंसर है। अभी इसके अंदर का जो सेंसर वो कौन से ब्रांड का है कोई मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा मैंने सुना था कि टेक्नो वालों ने सैमसंग के साथ मिलके ये स्पेशल 64 मेगापिक्सल सेंसर बनाया जिसका नाइट टाइम फोटोग्राफी या फिर जो डे टाइम फोटोग्राफी प्राइस पॉइंट में बाकी फोन के मुकाबले काफी बेटर होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मतलब इस कैमरा सेंसर के अंदर दो इंपॉर्टेंट चीज मिलेगा, एक तो इसका जो लेंस आपको तो मालूम ही हो कि जो एकदम महंगे वाले स्मार्टफोन या फिर जो DSLR उसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स कौन सा होता है, लेंस। क्योंकि ये जो ग्लास का ये जो एरिया कौन सा ग्लास यूज हो रहा है, प्लास्टिक हो रहा है या फिर ग्लास का मिक्सचर हो रहा है, ऐसे बहुत सारे चीजें। तो इस फोन का ये जो लेंस इसमें आपको मिलेगा ग्लास और प्लास्टिक का मिक्सचर, जिसे कि नॉर्मल वाला जो कैमरा लेंस उससे और भी ज्यादा बेटर आउटपुट प्रोवाइड करेगा। और 20,000 रुपए के अंदर ऐसा कोई भी स्मार्टफोन अवेलेबल नहीं है जिसमें आपको ये जो हाइब्रिड वाला लेंस देखने को मिलेगा। जितना मुझे मालूम है इससे पहले एक और फोन आया था जिसमें आपको सेम चीज मिला था, उसका नाम है Poco F3 GT। उसके बाद से किसी भी ब्रांड ने ये चीज इस्तेमाल नहीं किया था। और जो दूसरा चीज इसका जो सेंसर, जनरली स्मार्टफोन का जो कैमरा वो होता है RGB सेंसर, लेकिन इसमें आपको मिलेगा RGBW वाला सेंसर। अभी W मतलब इसमें आपको व्हाइट बैलेंस और भी बेटर मिलेगा। अभी कैमरे के अंदर व्हाइट बैलेंस मेरे ख्याल से सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, तो शायद यही रीजन की वजह से जब हम ओवरऑल कोई फोटो लेते इसका जो व्हाइट का जो बैलेंस इसके मुकाबले मुझे तो पर्सनली बहुत बेटर लगता है, या फिर इसका जो कलर इसके मुकाबले मुझे और भी बेटर लगता है। मतलब नेचुरल फोटो के लिए ये वाला स्मार्टफोन, अगर आपको एकदम सोशल मीडिया में डालने के लिए एकदम थोड़ा सा बूस्टेड वाला आई सूदिंग वाला अगर आपको फोटो चाहिए तो उसके लिए टेक्नो। नेक्स्ट मैं आपको दिखाऊंगा इसका वीडियोग्राफी और उसमें भी रिजल्ट आपको एग्जैक्टली सेम मिलेगा।
तो दोनों ही फोन में रियर कैमरा में आपको जो 4K 30 FPS, Full HD 60 FPS और जो Full HD 30 FPS तीनों का डे टाइम नाइट टाइम में वीडियोग्राफी आपने देख लिया। दोनों स्मार्टफोन का जो फ्रंट की मदद से सेल्फी डे टाइम नाइट टाइम दोनों आपने देख लिया और इधर भी रिजल्ट एग्जैक्टली सेम। अगर हम वीडियोग्राफी करते मुझे हर मामले में इसका जो वीडियोग्राफी इसके मुकाबले स्लाइटली बेटर लगा। वीडियोग्राफी मतलब जो फाइनल आउटपुट आ रहा है वो आउटपुट मुझे इसमें बेटर लगा कंपेयर टू ये वाला स्मार्टफोन। फॉर एग्जांपल रेड थोड़ा सा ज्यादा रेड, ग्रीन थोड़ा सा ज्यादा ग्रीन लग रहा है। और ये सिर्फ डे टाइम में नहीं, अगर हम नाइट टाइम में फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी करते उसमें भी इसका जो ब्राइटनेस कैप्चर करने का जो कैपेबिलिटी वो इस इन्फिनिक्स के मुकाबले बेटर है। तो देखिए वीडियो का अगर मैं सिंपल शब्दों में कहूंगा, अगर आप मुझे पूछेंगे किसे फोटोग्राफी या फिर वीडियोग्राफी के लिए इस दोनों फोन में से मैं कौन सा चूज करना चाहूंगा, तो मैं डेफिनेटली इसे चूज करूंगा, इसे मैं एक्चुअली दूसरे पोजीशन में रखूंगा। और इधर एक चीज भी देखिए, ये जो स्मार्टफोन इन्फिनिक्स का जो स्मार्टफोन लॉन्च हुआ है ब्रांड ने किस नाम से लॉन्च किया था, 20,000 के अंदर सबसे बेस्ट गेमिंग स्मार्टफोन। क्या ब्रांड ने एक बार भी कहा था कि इसके अंदर आपको बहुत ही शानदार कैमरा मिलेगा? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं। और सेम चीज इस फोन के अंदर आपको मिलेगा क्योंकि इसका जो गेमिंग 20,000 रुपए के अंदर सबसे बेस्ट है। उसी जगह पे जो टेक्नो का स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, आप टेक्नो के ओरिजिनल साइट पे देखना, ब्रांड ने स्मार्टफोन को क्लेम किया है प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट कैमरा आउटपुट। और सच में मेरे ख्याल से प्राइस पॉइंट का सबसे बेस्ट तो नहीं लेकिन दूसरे पोजीशन में डेफिनेटली होगा इन टर्म्स ऑफ कैमरा। तो मतलब दोनों फोन ने जो जो चीज क्लेम किया है सेम चीज डिलीवर किया है, लेकिन अल्टीमेटली मेरे ओपिनियन के हिसाब से कैमरे के मामले में इसे विनर चूज करना चाहूंगा। तो अभी आप मुझे कमेंट से जरूर बताना कि आज का जो कंपैरिजन वीडियो आपको कैसा लगा, फ्यूचर में ऐसे और कौन से फोन के साथ आप कंपैरिजन देखना चाहते हैं कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते अगले वीडियो में, तब तक स्टे ट्यून्ड एंड ऑलवेज रिमेंबर थिंक पॉजिटिव बी पॉजिटिव। थैंक यू।